गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूर पॉलिटिकल साइंस टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 5, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। तो हमारा अगला टॉपिक है पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी, यानी एमरजेंसी के बाद राजनीति में क्या चेंजेस आए। एमरजेंसी लग जाती है, उसके केसेस बता दिए गए आपको, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए जाते हैं, लेकिन अब क्या है उसके बाद पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1977 के अंदर क्या है, जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो एक तरह के इंडिया के अंदर क्या एंटी कांग्रेस का कोलिशन बनकर के सामने आता है, जिसके अंदर हम मेनली नेम लेते हैं मोरारजी देसाई का, जो कांग्रेस ओ के लीडर थे, इसके अलावा चरण सिंह का, जो लोकदल पार्टी के लीडर थे, जगजीवन राम जो CFD यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी उनके लीडर थे, इसके अलावा क्या है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जो क्या भारतीय जनसंघ के, जिसको आज की BJP कहा जाता है, उनके लीडर थे। तो ये सभी मिलकर के क्या एक नया कोलिशन बनाते हैं, एक नया संगठन बनाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है जनता पार्टी। तो 1 मई 1977 को क्या है जनता पार्टी का गठन कर दिया जाता है, यानी जनता पार्टी बना दी जाती है। इसमें काफ़ी पार्टियाँ थी, इनके अलावा कुछ ऐसी पार्टीज भी थी जो जनता पार्टी बनने के बाद उसके कोलिशन में शामिल होती हैं। तो इन्होंने मिलकर के क्या जनता पार्टी का कोलिशन बना, क्योंकि ये बात समझ चुके थे कि जब तक क्या है जितनी अपोजिशन पार्टी हैं इकट्ठी नहीं होंगी तब तक क्या है हम क्या है इसको इलेक्शन को नहीं जीत सकते। तो इसलिए ये सारी पार्टियां मिलकर के क्या है एक कोलिशन के रूप में सामने आती हैं, इकट्ठी होने की कोशिश करती हैं, यानी इकट्ठी होने की एक बार दोबारा कोशिश की जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1967 के इलेक्शन में 8 स्टेट के अंदर एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, तो उसके अंदर क्या है छोटी छोटी रीजनल पार्टियों के साथ ये जो पार्टियाँ हैं इन्होंने मिलकर के इलेक्शन लड़ा था, जिसके कारण क्या है 8 स्टेट के अंदर क्या है कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं बन पाई थी। तो इसीलिए इस बार अगर सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस को हराना था तो इन्होंने क्या है इन सभी पार्टी को मिलकर के चुनाव को लड़ना था। जेपी नारायण है जो कि एक इंडिया के लिए या इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया की पॉपुलेशन के लिए, पूरी के लिए, पब्लिक के लिए क्या बन चुके थे, एक हीरो बन चुके थे। उन्होंने भी क्या है इस जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे दिया कि कहा कि मैं जनता पार्टी के साथ हूं। जिस तरह से क्या है इनकी बात आती है, अन्ना हजारे की बात आती है, तो उन्होंने क्या आम आदमी पार्टी के साथ अपना जिस तरह से दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, तो उस तरह से क्या है जेपी नारायण के द्वारा क्या है जनता पार्टी क्या है इस्टेब्लिश, यानी उसको एक आशीर्वाद दिया जाता है और एक कोएलिशन बनकर के आता है जिसका नाम क्या रखा जाता है जनता पार्टी रखा जाता है। तो उन्होंने क्या है जैसे ही इलेक्शन की बात आती है कि इलेक्शन होंगे अभी 1977 के अंदर इमरजेंसी ख़त्म कर दी जाती है, तो वो क्या है एक अपना स्लोगन देते हैं जिसका नाम रखा जाता है इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, यानी अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इंदिरा को हटाना क्या है ज़रूरी था। सभी जगह इस तरह का कैंपेन चलता है और टोटल उस समय क्या है इंडिया के अंदर लोकसभा की जो हमारी सीट थी 542 सीट थी, उसमें से अकेली जनता पार्टी को क्या है यानी जनता पार्टी में सारी पार्टियाँ आ जाती है जनता पार्टी के अंदर जो मेन थी जिन्होंने मिलकर के जनता पार्टी बनाई थी उनको क्या है 295 सीट्स मिलती है, और उनका जो कोलिशन है इसके बाद भी आती है कुछ पार्टियां उनको मिलाकर के 330 सीट्स क्या है इस जनता पार्टी को मिल जाती है। अब क्या है कांग्रेस है वो सिर्फ क्या है 154 सीट्स पर सिमट जाती है, लेकिन फिर भी क्या है वो राजस्थान और MP के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बना लेती है। साउथ के अंदर उसका इफेक्ट नहीं आता, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात इन स्टेट के अंदर, ये मैप के अंदर पूछा जाता है कि 1977 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बनी थी, तो वो क्या है हमारे नॉर्थ के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान और MP के अंदर ही बनी थी, और अगर साउथ की बात करें तो उड़ीसा, क्योंकि पहले ही बताया है यूपी के है, हरियाणा है, पंजाब है, इन एरिया के अंदर इमरजेंसी का इफेक्ट ज़्यादा हुआ था। तो इसलिए क्या है जो साउथ की तरफ है उसका इमरजेंसी का इफेक्ट कोई ज़्यादा नहीं हुआ था, इसलिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात इन स्टेट के अंदर क्या है जो गवर्नमेंट बनती है वो कांग्रेस पार्टी की बनती है। तो वो टोटल जो है 154 सीट्स मिल जाती है और इसको 35% के आसपास वोट मिलते हैं, जबकि जो जनता पार्टी है इसको 43 से अबू के है इतने परसेंट वोट के हैं इनको मिलते हैं, तो इनकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो इस तरह से क्या है मिडिल क्लास जो है यहाँ पर या गवर्नमेंट ही चीज़ नहीं होती, मिडिल क्लास को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक नया ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि उनको पता था कि सेंटर में एक ही गवर्नमेंट है कांग्रेस पार्टी की आनी है, उसी के लीडर्स हैं ज़्यादातर, तो उसी को वोटिंग की जा रही थी। अब क्या मिडिल क्लास को क्या एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है राजनीति में एंट्री करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, तो इस तरह से ये आ जाता है। तो फर्स्ट एंटी कांग्रेस प्रधानमंत्री जो है हमारे PM जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं वो मोरारजी देसाई बनते हैं। क्यों? क्योंकि जेपी नारायण को जब इनवाइट किया जाता है किसी लोकसभा सीट से लड़ने के लिए तो वो मना कर देते हैं कि वो राजनीति के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा नहीं आएंगे। उन्होंने तो सिर्फ किया है स्टूडेंट्स के कहने पर या इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को हटाने के लिए क्या है जो टोटल रेवोल्यूशन है वो चलाई है, तो वो क्या है
राजनीति में आने से मना कर देते हैं, नहीं तो ऑप्शन जेपी नारायण का ही क्या प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा जा रहा था। अब क्या है, काफ़ी बड़े बड़े लीडर थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राव, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नेम वगैरह भी आते हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो ताऊदेलाल है, इनका भी नाम भी आगे आता है। तो इस तरह से क्या है, जो गवर्नमेंट बनती है, फर्स्ट एंटी कांग्रेस पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई बनते हैं, जो 18 महीने के लिए, वो जो सिर्फ क्या है 18 महीने के लिए रह पाते हैं, यानी 1977 से 79 के बीच में 18 महीने उनकी गवर्नमेंट चलती है। अब क्यों चलती है, उन्होंने मिलकर के तो बना ली, लेकिन लीडर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सारे के सारे इस कोएलिशन के लीडर अपने आप को क्या प्राइम मिनिस्टर समझने लगते हैं, जिसके कारण क्या है दोबारा से उनके अंदर ये कोएलिशन क्या है टूटना स्टार्ट हो जाता है। और जो चरण सिंह जो है वगैरह, इन्होंने अपने लीडर्स के द्वारा कोएलिशन से जो अपना समर्थन होता है वो वापस ले लिया जाता है, और 79 के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस का जो प्रस्ताव है, जिसके द्वारा क्या प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, उसके द्वारा मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उनको अपना पद से त्याग पत्र देना पड़ता है नॉन कॉन्फिडेंस का पास होते। तो चौधरी चरण सिंह जो है वो क्या है, उसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन किसकी सपोर्ट से, कांग्रेस की सपोर्ट से। क्यों, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां थी वो तो एंटी कांग्रेस थी, मोरारजी देसाई की पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, इसके अलावा जो दूसरे मेंबर थे वो क्या करते थे, मना कर देते हैं। तो चरण सिंह जो है वो कांग्रेस की सपोर्ट से क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन 4 महीने बाद ही क्या है, कांग्रेस अपना क्या है जो समर्थन है वो वापिस ले लेती है, और 4 मंथ के बाद ही क्या चौधरी चरण सिंह की सरकार भी क्या हो जाती है, गिर जाती है, यानी कि दोबारा इलेक्शन की बात आती है। इनके बीच में 2 काम किए गए थे जो मेन फेमस है, एक है 46th Amendment 1978 के अंदर क्या है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा एक 46वां संवैधानिक संशोधन किया गया, इसमें वो सारे इशू डाले गए जिससे कि राइट टू प्रॉपर्टी है उसको चेंज किया गया, लोकल बना दिया गया, जिसके अंदर क्या है 42 अमेंडमेंट के अंदर जिन चीज़ों को बंद किया गया था वो कुछ चीज़ें जिनको सुधार करके 46 अमेंडमेंट के अंदर पास की गई थी, जिसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स जैसे 21 है उसको क्या है पोस्टपोन नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के दौरान भी, इसके अलावा जब तक उसको कैबिनेट रिटर्न में नहीं दे तब तक क्या प्राइम मिनिस्टर क्या नहीं कर सकता, इमरजेंसी इंडिया के अंदर नहीं लगा सकता। तो इस तरह के बिल पास किए गए, इसके अलावा एक मंडल कमीशन भी बिठाया गया, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ना चाहते थे, सारे के सारे मिडिल क्लास के साथ जुड़ना चाहते थे, तो मंडल कमीशन किसके लिए, जो बैकवर्ड क्लास ही, जो मिडिल क्लास के अंदर ज़्यादातर लोग थे, तो बैकवर्ड बीसी के लिए बनाया गया, तो जो क्या है अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगा बीसी के लिए और उनकी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएगा, ये 77 में बनाया गया था, जिसको पास किया गया है 1990 के अंदर, जब आता है बाद की बात है, वो आगे आएगा मंडल कमीशन, आपके 10th क्लास में भी है। तो मंडल कमीशन ये दो चीज़ें की गई थी, एक मंडल कमीशन बैठाया गया था और एक 46th अमेंडमेंट पास किया गया था। लेकिन जब ये सरकार तो बन जाती है, लेकिन इनके पास क्या नहीं होता, ना तो विजन होता है कंट्री को चलाने के लिए, ना कोई प्लान होता है। तो ये पहली बार होता है जब पता चलता है कि आपके पास सीटें हों तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कितनी भी सीटें हों लेकिन जब तक आपके पास विजन नहीं होगा गवर्नमेंट को चलाने का, जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा, तब तक आप क्या है गवर्नमेंट को नहीं चला सकते। तो इसलिए इनकी गवर्नमेंट 2 साल के अंदर, दोनों की गवर्नमेंट क्या है गिर जाती है, और दोबारा से इलेक्शन 1980 के अंदर क्या है दोबारा से इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी दोबारा से एक बड़ी पार्टी के रूप में, बिग पार्टी के रूप में बनकर के सामने आती है। और 1980 के अंदर क्या है कांग्रेस को 353, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाता है कि जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास प्लान नहीं है, वो क्या है हमारे लिए सक्सेस नहीं कर सकते, कोई स्टेबल गवर्नमेंट हमें नहीं दे पाएंगे, इसलिए दोबारा से कांग्रेस पार्टी को क्या है एक मेजोरिटी मिल जाती है। तो ये सब क्या है पॉलिटिक्स, हमारी इमरजेंसी के बाद क्या है हमारी पॉलिटिक्स में उथल पुथल आती है जो हमें देखने को मिलती है। अब विरासत के रूप में क्या छोड़ती है, लेगेंसी क्या होती है इसकी इमरजेंसी की, कि हमें क्या पता चलें। सबसे पहले तो जैसे ही क्या है 1980 इमरजेंसी खत्म हो जाती है, ये 2 साल की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या है कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है 77 के बाद क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो न्यू कांग्रेस आइडियोलॉजी बनकर के सामने आती है, जो एक सोशलिस्ट भी थी और प्रो पुअर थी, यानी कि गरीबों के लिए थी, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस को ज़्यादा मोटिवेट करने की बात की जा रही थी, जिनकी संख्या 50% के आसपास इंडिया के अंदर बताई जाती है, जिनको 27% रिजर्वेशन की भी बात की जा रही थी। तो इसलिए एक सोशलिस्ट पार्टी या एक सोशलिस्ट व्यू वाली पार्टी बनकर के एक नई
कांग्रेस की आइडियोलॉजी बनना चाह रही थी। दूसरा, वो किसकी वेलफेयर बनना चाह रही थी, बैकवर्ड क्लासेस की वेलफेयर बनना चाह रही थी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के काम किए जाए, क्योंकि उनको पता था कि एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन तो दे दिए, पार्लियामेंट में उनकी रिजर्वेशन है, लेकिन जो लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए उसका वो सही तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक नई कास्ट है जिसको बैकवर्ड क्लासेस बोला जाएगा, जिसको न तो लोकसभा में रिजर्वेशन है, न लेजिस्लेटिव असेंबली में है, न राज्यसभा में है, न किसी नौकरी वगैरह में, तो उन बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए भी क्या है, काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या है, कांग्रेस पार्टी नई आइडियोलॉजी लेकर के आई उनके कल्याण के लिए। अगला है नॉन कांग्रेसियन पार्टी यानी रीजनल पार्टी। तो इस दौरान क्या है, अनेक छोटी छोटी पार्टियां हर स्टेट के अंदर बननी स्टार्ट हो गई थी जिनको रीजनल पार्टी बोला जाएगा, और लोगों के व्यूज़ भी जो हैं, लोगों के विचार हैं या लोगों की थिंकिंग है उनके साथ मिलने लगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने एरिया तक सीमित थे, तो नॉन कांग्रेसियन छोटी छोटी बहुत सारी पार्टी क्या है बन करके सामने आई। इसके अलावा रिजर्वेशन इश्यूज भी उठने लगे थे। इनकी शुरुआत बिहार से हुई कि बैकवर्ड क्लासेस को क्या है रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, इसके कारण क्या है वो भी अपना क्या है इम्प्रूवमेंट कर सकें, यानी अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से क्या है बिहार के अंदर भी रिजर्वेशन इश्यूज उठने लगे थे, क्योंकि मंडल कमीशन जो बिठाया गया था वो इसी रिजर्वेशन के लिए बिठाया गया था, तो यह भी एक राजनीति का मुद्दा बन गया था कि इनको रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। तो इस तरह से क्या है ये डेमोक्रेटिक रिजर्वेशन का जो टॉपिक था पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी ये कम्प्लीट होता है। इस चैप्टर में पहले के जो पुराने टॉपिक है वो ओल्ड टॉपिक यहीं तक है, इसके आगे जो नेक्स्ट 4 टॉपिक्स होंगे वो न्यू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।